अगर मैं आपसे कहूं कि एक बॉक्स ड्रॉ करके दिखाओ इस टाइप का, तो मैं आपको एक बार दिखा दूं कि इस तरह की उसकी शेप है, तो आपको ड्रॉ करके दिखाओ, तो मतलब आपके मन में तो ये मतलब एक इमेज तो है एक बॉक्स की, मतलब कि बॉक्स का शेप क्या होता है, तो वो इमेज जो आपके मन में है वो तो आप ड्रॉ कर दोगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बॉक्स को आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ड्रॉ करके दिखाओ, क्योंकि बॉक्स है उसका एंगल डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट, मान लो आप बॉक्स आपके नीचे पड़ा हुआ है तब तो उसका एंगल डिफरेंट होगा, आपसे ऊपर है तब डिफरेंट होगा, आपके साइड में है और इस साइड में है तब एंगल डिफरेंट होगा, तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे। आपके जो मन में है जो एक इमेज है बॉक्स की, जो कि यूजली सब ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि बचपन में भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो हमारे मन में बैठ जाती है कि बॉक्स ड्रॉ करना है तो वो उस तरह से ही ड्रॉ करना है। बट मैं आपको कहूँ डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ड्रॉ करके दिखाओ। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सपेक्टिव के बारे में, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो तीनों पर्सपेक्टिव के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई थी 1 पॉइंट 2 पॉइंट, बट वो काफ़ी डिटेल में बनाई थी। इस वीडियो में मैं ओनली बेसिक के बारे में बात करूँगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के, किस तरह से आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट का यूज़ करके किसी भी बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो, एक बॉक्स एक शेप को ड्रॉ कर सकते हो। तो यही बॉक्स को मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे किस तरह से आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट का यूज़ कर सकते हो, मतलब 1 पॉइंट होता क्या है, 2 पॉइंट होता क्या है और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो सभी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा और मेरी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट का यूज़ करके कंप्लीट सीनरी भी आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, कंप्लीट सीनरी किस तरह से डेवलप कर सकते हो, उसमें रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हो, एक पॉइंट का यूज़ करके, 2 पॉइंट का यूज़ करके और 3 पॉइंट का यूज़ करके, तो वो भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ईजी होगा, बस स्केल का यूज़ करना होता है उसमें, तो कोई पॉइंट का यूज़ करना होता है, काफ़ी अच्छे से आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं। सो सबसे पहले 1 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको ओनली एक बॉक्स से समझाने की कोशिश करूंगा जो कि आई थिंक सबसे ईजी है, तीनों पॉइंट से ड्रॉ करके दिखा दूंगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट तीनों समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। अगर मैं आपको कहूँ कि एक बॉक्स को ड्रॉ करो, तो यूजली हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो कि हम बचपन से ड्रॉ करते हुए आए हैं, जो कि हमारे माइंड में होता है तो हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। बट अगर मैं आपको कहूँ डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ड्रॉ करने के लिए, तब ये तो हमारे माइंड में है, इनकी शेप हमको याद है, इसलिए हम इसको बिना देखे भी ड्रॉ कर पाते हैं इन शेप्स को इस तरह से, क्योंकि हम इस तरह से ड्रॉ करते हुए आए हैं। बट डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पर्सपेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट्स का यूज़ करोगे पर्सपेक्टिव का, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट का, तब आप किसी भी एंगल से ड्रॉ कर पाओगे, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। सबसे पहले 1 पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि 1 पॉइंट से आप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इस बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया बीच में, अब मैं इस पॉइंट के चारों तरफ स्क्वायर्स बनाऊंगा, जिससे आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्यूब को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्केल का यूज़ करके स्क्वायर को ड्रॉ कर लेता हूँ पॉइंट के चारों तरफ, उसके बाद पॉइंट का यूज़ करके क्यूब को ड्रॉ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। 1 पॉइंट का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब कोई चीज़ हमारे बिल्कुल सामने हो, उसका एक पार्ट हमको दिख रहा हो, इसीलिए मैं इस स्क्वायर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बॉक्स देखो, बॉक्स का जो ये वाला साइड है जहाँ पे कैनन है, ये वाला साइड हमको पूरा दिख रहा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं 1 पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर ये टेढ़ा होता, कोने से दिख रहा होता, तब हम 1 पॉइंट का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस तरह से हमको एक साइड ज़रूर दिखनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, जो कि ये वाली दिख रही है हमको। सो गाइस स्क्वायर तो बना लिए, अब हमें उस पॉइंट से स्क्वायर के इन तीनों पॉइंट को मिलाना है, इन तीनों पॉइंट को ऊपर से और इन तीनों पॉइंट को यहाँ से, इन तीनों को और नीचे से जो भी पास में होंगे इन तीनों को। तो ये जो मैंने स्क्वायर बनाए हैं, ये हमारे जो बिल्कुल सामने था बॉक्स वहाँ जहाँ पे कैनन लिखा हुआ था, तो ये वो वाला साइड है। सो अब जो स्क्वायर के पॉइंट हैं उनको उस पॉइंट से मिलाना है जो कि हमने ऊपर लिया था स्केल का यूज़ करके, आपने बस उसी पॉइंट से बनाना है इस तरह से। इसी तरह से मैं सभी स्क्वायर में उस पॉइंट का यूज़ करके उन तीनों पॉइंट्स को मिला लूँगा स्केल का यूज़ करके। ये जो मैंने स्क्वायर बनाए हैं, ये बेसिकली जो मैंने अभी आपको एक बॉक्स दिखाया उसका जो सामने वाला पार्ट था जहाँ पे कैनन लिखा हुआ है वो साइड है इसकी, और हमको उसके पीछे का ड्रॉ करना है, तो वो हमको एंगल पता करने के लिए वो हम पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सामने का तो हमको दिख ही रहा था जो कि कैनन वाला पार्ट था बिल्कुल सामने, बट जो पीछे का पार्ट है वो किस तरह से ड्रॉ करें, उसका एंगल बिल्कुल परफेक्ट किस तरह से ड्रॉ करें, उसके लिए हम 1 पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से हमको तीनों पॉइंट को मिलाना है, स्क्वायर के तीनों पॉइंट को इस तरह से उस पॉइंट से जो भी हमने पॉइंट लिया है। सो इसी तरह से मैं कंप्लीट स्क्वायर में लाइन लगा लेता हूँ इस तरह से, जो भी मैंने ऊपर नीचे बनाए हैं,
उससे मतलब हर एंगल पर ड्रॉ हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे बना दिए। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिक की, वन पॉइंट की, काफ़ी अच्छे से आपसे ड्रॉ हो पाएगा। सभी स्क्वायर पे मैंने लाइन लगा ली है पॉइंट का यूज़ करके, तो अब मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ इस तरह से। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा पीछे लगाओगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा और पास में लगाओगे तो क्यूब बन जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ा टेबल है, मान लो टेबल तो यूजली क्यूबॉइड ही होता है, तो वो क्यूबॉइड होगा। अदरवाइज जैसे मैंने आपको भी बॉक्स दिखाया वो तो क्यूब था, तो आप पास कर सकते हो। तो ये लाइन आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगा सकते हो, अपने हिसाब से लगानी होती है ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में, ताकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल थ्री डी लगे। सो देख लो, ये सारे बॉक्सेस डिफरेंट एंगल पे ड्रॉ हो चुके हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है वो हमको हर किसी में दिख रहा है, तो वन पॉइंट में ऐसा ही होगा, आपको हर किसी बॉक्स में वन फ्रंट वाला पार्ट जरूर दिखेगा। अब आपको बॉक्स डिफरेंट एंगल पे दिख रहा होगा, अगर नीचे पड़ा है तो आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा होगा, अगर ऊपर है तो वो नीचे ऊपर का वाला पार्ट दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपको दिखेगा, अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में आपको लेफ्ट वाला पार्ट दिखेगा, राइट साइड में राइट वाला पार्ट दिखेगा। तो देख लो, ये आपको हर एंगल पे, अगर आप बीच में खड़े तो आपके आगे मान लो बॉक्सेस हैं तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, अगर ऊपर हैं तो इस तरह से दिखेंगे, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, नीचे है, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। सो इसी को बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, कि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको आप एक ही पॉइंट का यूज़ करके बिल्कुल एक्यूरेट किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो डिफरेंट एंगल पे। आप उसको चाहे कहीं भी रख दो तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, बस आपका ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सामने की साइड होनी चाहिए, एक साइड इस तरह से। अगर टेढ़ा है तब हम टू पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो अब टू पॉइंट की तरफ चलते हैं। टू पॉइंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से पड़ा हो, इसमें आपको कोने का पार्ट दिख रहा होगा, बट जो फर्स्ट में आपको ओनली सामने का दिख रहा था जो कि कैनन लिखा हुआ, बट इसमें आपको कोने का दिख रहा है, तब हम इसमें टू पॉइंट का यूज़ करके इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, वन पॉइंट से इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं दो पॉइंट का यूज़ करके। तो एक पॉइंट मैंने लेफ्ट साइड में लिया है और एक पॉइंट मैंने लिया है राइट साइड में, जो कि आप देख सकते हैं एक पॉइंट लेफ्ट साइड में है ये वाला और एक पॉइंट है ये वाला। ये भी काफ़ी इजी है, बस बीच में एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, उसके बाद राइट साइड वाले पॉइंट से राइट साइड में लाइन लगानी है और लेफ्ट साइड वाले पॉइंट से लेफ्ट साइड में लाइन लगानी है, सिंपली इस तरह से। लेफ्ट साइड में तो लगा रही है और राइट साइड में भी इस तरह से लगानी है पॉइंट का यूज़ करके। और ये लाइन आप कितनी भी लंबी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी लंबी लगाओगे उतनी बड़ी बिल्डिंग या फिर बॉक्स बन जाएगा आपका। तो और जो ये वर्टिकल लाइन है ये आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जितना बड़ा आपने वहाँ से लाइन लगाई थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हैं। तो ये बन चुका है क्यूबॉइड। अगर क्यूब बनाना है तो जो लाइन है वो उसको छोटा रखना पड़ेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉ की थी ये छोटी लाइन इस तरह से। अगर क्यूब बनाना है तो क्यूब बनाना है तो ऊपर का पार्ट भी हमको दिखेगा। क्यूब मान लो हमारे नीचे पड़ा हुआ है और कोने से हम उसको देख रहे हैं तो ऊपर का पार्ट भी दिखेगा हमको। बस इस तरह से हमने लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड के पॉइंट से लाइन लगानी है और राइट साइड में राइट साइड के पॉइंट से लाइन लगानी है। ये देख लो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है फोटोग्राफ में, कुछ इस तरह से है। बट जो इसमें ऊपर वाला पार्ट है जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें ऊपर वाला पार्ट हमको ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये काफ़ी नीचे है। और जो मैंने ऊपर फोटोग्राफ क्लिक किए, जो वीडियो बनाई है मैंने, उसमें अगर मैं कैमरे को थोड़ा ऊपर ले जाता तो ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा दिखता। तो वो एंगल पर डिपेंड करता है कि आपके पॉइंट कहाँ है। अगर ये जो लाइन है ये मैं ऊपर लगाता थोड़ी तो ऊपर का पार्ट, जैसे ऊपर वाले जो क्यूबॉइड मैंने बनाया उसमें ऊपर वाला पार्ट हमको दिख नहीं रहा, बट नीचे वाले में हमको दिख रहा है क्योंकि काफ़ी छोटा है। सो टू पॉइंट का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से हो, कोने से दिख रहा हो। तो वन पॉइंट में आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सामने से था, बट इसमें कोने से है इस तरह से। देखो यहाँ पे तो सामने से था, इसमें भी सामने से था, तो वन पॉइंट का हमने यूज़ किया। और जो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पे, बट इसमें जो कोना दिख रहा है हमको, तो ये डिफरेंस है वन पॉइंट और टू पॉइंट में। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ और आने वाली वीडियोज़ में फर्दर बात करेंगे बिल्कुल डिटेलिंग पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है बिगनर के लिए। वैसे मैं लास्ट में आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दिखा दूंगा इसके। अब एक बॉक्स में आपको ऊपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ऊपर ड्रॉ करोगे तो हमको ऊपर वाला पार्ट तो बिल्कुल भी दिखेगा, बट जो नीचे वाला पार्ट है वो दिख जाएगा क्योंकि ये बॉक्स हमारे से काफ़ी ऊपर है। उसी तरह से मैंने पॉइंट का यूज़ किया, तो इसमें देख लो हमको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है बॉक्स का, बट जो नीचे मैंने ड्रॉ किया था उसमें ओनली ऊपर वाला दिख रहा था, नीचे वाला नहीं दिख रहा था। और जो बीच वाला है उसमें नीचे वाला भी नहीं दिख रहा, ऊपर वाला भी नहीं दिख रहा, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे से बड़ी है। सो यही एंगल है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव का। टू पॉइंट का यूज़ आपको तभी करना है जब इस तरह से कोने से आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा हो। तो अब थ्री पॉइंट के बारे में बात करते हैं।
थ्री पॉइंट भी मैं आपको ओनली एक क्यूब से ही समझाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट ऊपर ले रहे हैं, इसमें एक पॉइंट नीचे भी ले सकते हैं हम। बाय द वे मैं पहले ऊपर लेता हूँ और एक पॉइंट राइट और एक लेफ्ट। तो मैंने एक ऊपर लिया, एक राइट में और एक लेफ्ट में। इसमें हमको कोई भी लाइन नहीं लगानी है अपने हिसाब से, जो भी लाइन लगानी है सब पॉइंट से लगानी है। तो इस तरह से मैंने एक लाइन लगा दी है। इसमें मैं पूरे क्यूब में बिल्कुल भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ नहीं करूँगा, सब कुछ पॉइंट से ही बनाना है कंप्लीट क्यूब। तो इस तरह से राइट साइड में राइट पॉइंट से इस तरह से मिलाना है। ये जो लाइन बनाई है, ये लाइन आप नीचे ऊपर कितना भी कर सकते हैं, बस पॉइंट से लगानी है। तो इस तरह से लगा दी मैंने। बेसिकली थ्री पॉइंट जब हम यूज़ करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे से बहुत ज़्यादा नीचे हो, हम किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर हो और हमारे नीचे कोई छोटी सी बिल्डिंग है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम बिल्कुल नीचे हो और बहुत ऊंची बिल्डिंग है हमारे ऊपर, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या तो बर्ड आई व्यू या फिर चींटी का आई व्यू। तो सेम मैंने वैसे ही राइट साइड के पॉइंट से मिलाया है और ऊपर वाले पॉइंट से लगाना है। इस तरह से देखो, इस तरह ऊपर वाले पॉइंट से ये लाइन, पहले सेकंड वाले में तो हमने सीधा लगाई थी, बट इसमें पॉइंट का यूज़ करना है। इस तरह से एक पॉइंट मैंने राइट लेफ्ट में लिया है, तो उससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ राइट साइड में राइट साइड से, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड से। बट एक मैंने ऊपर लिया है, ऊपर लिया है इसका मतलब जो कि मैं उस बिल्डिंग के बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ, या फिर वो बॉक्स है जो भी मैं आपको दिखाया था वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। सो गाइस देख लो वो शेप किस तरह का लग रहा है, मतलब आपको लग नहीं रहा होगा, मतलब क्यूब है ये, बट आई लेवल हमारा कुछ इस तरह का ही होता है। आपको भी देख के देखना, जब आप कभी किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होगे और आपके नीचे कोई छोटी सी बिल्डिंग हो, इस तरह से आप समझो कि मतलब जो चिड़िया का आई व्यू होता है, बर्ड आई व्यू, अगर वो उड़ रही है और आप उसके नीचे कुछ इस तरह की बिल्डिंग है, इसको बिल्डिंग समझ लो, तो उसको वो इसी तरह से दिखेगी। सो इसी को बोलते हैं थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। जो बीच में लाइन लगाई है मैंने ऊपर से, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। बड़ा करोगे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, छोटा करोगे छोटी बन जाएगी। सो पॉइंट ऊपर है तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा। एक और एंगल से ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार इन्हीं पॉइंट का यूज़ करके। अगर बिल्डिंग और नीचे है थोड़ा साइड में, इसके साइड में कर देता हूँ मैं, तो उस पॉइंट का यूज़ करके सबसे पहले तो आपको ऊपर वाले पॉइंट का ही यूज़ करना है, ऊपर वाले या फिर नीचे लोगे तो नीचे वाले का। तो ऊपर वाले का यूज़ करके मैं नीचे लाइन लगा रहा हूँ कुछ इस तरह की, और यहाँ पे कुछ इस तरह की एक और लाइन लगा देंगे। तो ऊपर जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इस तरह से मिलाएंगे, और इस पॉइंट से राइट साइड में राइट वाले पॉइंट से मिलाएंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इस पॉइंट से मिलाना पड़ेगा, ये कुछ इस तरह से मिलाना पड़ेगा, और राइट पॉइंट से इस तरह से। इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, जितनी आपको बिल्डिंग बनानी है उस हिसाब से, या फिर बॉक्स बनाना है। और ये लाइन लगानी है, ये भी आपको ऊपर वाले पॉइंट से लगानी पड़ेगी इस तरह से, और ये इस तरह से लगानी पड़ेगी आपको इस तरह से, और नीचे वाली लाइन भी आपको पॉइंट से ही लगानी है। जो अब इसके नीचे लगाओगे वो भी पॉइंट से ही लगानी है आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस तरह से लगानी है इस तरह से। तो ये वही बॉक्स है, बट उसकी जो आप एंगल देख रहे हो, एंगल आपको काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा, बट अगर आप एक ऑब्जर्व करोगे कभी किसी बड़ी बिल्डिंग पर जाके, उसके नीचे कोई छोटा सा घर होगा या फिर कोई छोटी बिल्डिंग होगी, तो वो आपको इसी एंगल पे दिखेगी जो बॉक्स है। बेसिकली शेप तो यही होता है, चाहे आप कुछ भी देख लो, कोई बिल्डिंग है, कोई भी बॉक्स है, या फिर कुछ भी हो, कोई अलमीरा है, तो उनका मतलब शेप तो यही होता है, क्यूब या फिर क्यूब वर्ड होता है, तभी हमको पर्सपेक्टिव का यूज़ करना पड़ता है 1.2 पॉइंट। शेप तो वही होता है बट साइज़ का फ़र्क पड़ता है, और थोड़ी डिटेलिंग होती है। डिटेलिंग कर दोगे तो वो कुछ भी बन जाएगा, बस या फिर कार, कुछ भी बन जाता है। तो ये दोनों शेप बिल्कुल सही हैं, दोनों के एंगल बिल्कुल सही हैं, तभी हम थ्री पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो देखो दोनों में शेप में आपको काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा, जो नीचे वाला है उसमें आपको ऊपर वाला साइड ज़्यादा दिख रही होगी, बट जो ऊपर वाला है उसमें आपको कम दिख रही होगी। सो अब जो पॉइंट है ऊपर वाला, उसको नीचे लेके देखते हैं किस तरह से ड्रॉ हो पाता है। तो ये दो पॉइंट तो हम एक राइट और एक लेफ्ट में लेना ही है, एक मैंने नीचे ले लिया है, तो अब ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव है वो इसमें, उसमें कुछ इस तरह से होता है, एक बर्ड आई व्यू और एक चींटी का आई व्यू। तो बर्ड आई व्यू में आपको पॉइंट ऊपर लेना पड़ेगा, अगर आप बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे हैं, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके आप बहुत नीचे हैं, तब आपको पॉइंट को नीचे लेना पड़ेगा।
तो पॉइंट मैंने नीचे लिया, नीचे पॉइंट से मैंने इस तरह से लाइन लगा दी है। जो मैंने पहले लगाई थी वो ऊपर वाले पॉइंट से लगाई थी, बट अब की बार मैंने नीचे वाले पॉइंट से लगाई है। और जो दो पॉइंट हैं वो राइट और लेफ्ट में हैं, इस तरह से यहाँ पर लाइन लगा देंगे, इससे राइट साइड में इस तरह से लाइन लगा देंगे, लेफ्ट साइड में इस पॉइंट से लाइन लगा देंगे। ऊपर की साइड जो लाइन लगाओगे वो आपको पॉइंट से लगानी है, उसको सीधा मत लगा देना। जो ऊपर की साइड थ्री पॉइंट में बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऊपर की साइड इस तरह से लाइन आपको नीचे वाले पॉइंट से ही लगानी पड़ेगी, और ऊपर वाली लाइन आपको इस तरह से पॉइंट से लगानी पड़ेगी। तो इसको यहाँ पे इस तरह से लगेगी, राइट साइड में राइट साइड से और लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड से। तो देख लो ये वही बॉक्स है जिसकी शेप का आपको इस तरह से दिखेगी। अगर आप एक चींटी होगे, तो कोई चींटी होगी उससे पूछना, तो आपको कुछ इस तरह की शेप दिखेगी। सो गाइस, यही होता है पर्सपेक्टिव, कि आप किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ड्रॉ कर पाओ पॉइंट्स का यूज़ करके, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट का यूज़ करके। वो मैंने आपको बता दिया कि 1 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है और 3 पॉइंट क्या होता है। एंगल के हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आप उस ऑब्जेक्ट के किस एंगल में हो, जो भी आप जहाँ पर भी खड़े हो वो कौन से एंगल पर है। जैसे कि मैं आपको अच्छे से एक बार और बता देता हूँ कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई बिल्डिंग मान लो आप इसको, कुछ भी मान लो, ये ऑब्जेक्ट है, आपको उसका ये वाला पार्ट दिख रहा है और इसके आप सामने हो, तब तो आप इसको 1 पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हो। ये वाले जो लाइंस हैं इनको आप 1 पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसे कोने से देख रहे हो आप, तो ये आपको ये वाला एक पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा और ये वाला एक पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आपको 2 पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा। ये आपका सीधा होगा बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सीधा होगा उसमें। और 3 पॉइंट का यूज़ हम तब करेंगे जब हम बिल्डिंग के बहुत ज़्यादा ऊपर हों, कि कोई बिल्डिंग है जो कि बहुत बड़ी है, हम उसके बहुत ऊपर हैं, उसके नीचे कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि उससे छोटी है, तब आप यूज़ कर सकते हो 3 पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप 3 पॉइंट का यूज़ तब कर सकते हो जब आप बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे हो, जैसे कि ये कोई बिल्डिंग होगी, आप यहाँ पे हो और आप इतने छोटे से हो, तब आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिससे आई थिंक आपको कुछ समझ में आ जाएगा और आने वाली वीडियोज़ में आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने दो वीडियोज़ बनाई हैं, उनको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आने वाली वीडियोज़ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं पूरी सीनरी भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो गाइस, ये है 1 पॉइंट। तो इसमें सारी चीज़ें जो भी बना रखी हैं, सोफ़ा हो गया, नीचे जो मैट हो गया, और जो ये टेबल वगैरह है, ये सब 1 पॉइंट से बना रखी है। तो इसमें पॉइंट बीच में है, अगर आपको नहीं पता तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने बनाई थी इस पर वीडियो। और अब सेकंड पॉइंट है, तो ये है जिसमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ कर रखा है। तो इसमें देखो कोने से दिख रही है सारी बिल्डिंग्स, और 3 पॉइंट में आपको कुछ इस तरह की दिखेगी अगर आप बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे हो तो। अगर बिल्डिंग के आप ऊपर हो तब आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एक बॉक्स से बताया, बट डिटेलिंग में भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा आने वाली वीडियोस में मेरी। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मेरे मन में आया था कि मैं मतलब एक बॉक्स से आपको समझा सकता हूँ, तो समझा दिया मैंने आपको। आई होप आपको समझ में आएगा, कमेंट करके बताना समझ में आया या नहीं आया, और मुझे और भी सीनरी वगैरह की वीडियो बनानी चाहिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पे। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you so much for watching.